तो रे रो क्या हाल चाल, आज मैं एक और वीडियो लेके और भाई पबजी के आज तुमको कुछ ऐसे नशे दिखाने वाला हूँ जो कि तुम देख के मतलब खुद बोलोगे भाई। मतलब ये सस्ते नशे ये लोग करते कहाँ से, सस्ते है जाने महंगे वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बड़े ही खतरनाक नशे करके बैठे। तुम खुद देख लाना तुम्हारी आंखों से, मतलब इनके जो नशे होते हैं ना इतने विचित्र होते हैं, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया करते किस चीज़ से। मतलब सिगरेट का गांजा फूंकते, सिगरेट में गांजा नहीं होता वैसे, पता नहीं जो भी होता है उसे खाते निकाल के पता नहीं क्या ही खाते हैं ये लोग। तो देखो इनका पहला नशा तो तुम देख ही चुके हो, और भाई इस जगह पे मैं अपने जीने की इच्छा खत्म कर चुका था। मैं यहाँ पे अपने आप नेड़ मार के मरवाना चाह रहा था अपने टीममेट को, अपने आप को, लेकिन भाई साहब जैसे मुझे पता चलता है ना कि बाहर कोई लड़की नौक पड़ी, तो मैं भाई साहब पूरी जान निकाल के बाहर निकल जाता हूँ और सबसे पहले उसे ही पेलता हूँ जाके, क्योंकि भाई साहब मेरा टीममेट इसे मार नहीं रहा जबकि इसके पीछे पीछे घूम रहा, पता नहीं क्या करेगा इसका। मुझे नहीं पता क्या करना चाह रहा था, लेकिन जो भी करना चाह रहा था इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, तो मैंने भैया सबसे पहले उस बिचारी को खत्म कर दिया, पूरा जान से ही मार दिया मतलब। और उसके बाद इस पबजी के नशे खत्म नहीं होते, तुम खुद देख लो भाई, मतलब नशों की तो कतई भरमार बड़ी पड़ी है। एक टीममेट मेरा फंसा पड़ा है, लेकिन दूसरा भी उसी डब्बे में घुसने की कोशिश कर रहा है। मतलब इनकी हरामजादगी इतनी बढ़ेगी कि इतने लेवल पे जा चुके हैं कि एक बंदा कहीं पे फंस जाए तो दूसरे को भी उसी के ऊपर जाके बैठना है। और इसको देखो जरा, इस राजा को मतलब कैसे बैठा है ऊपर, देखो तुम अपनी आंखों से देखो, ऐसा सर पे मुकुट लगाए इसे बैठा जैसे इसकी प्रजा इसके सामने खड़ी और आशीर्वाद दे रहा दोनों हाथों से, देख लो जरा। और ये क्या करना चाह रहा है जानवर जैसा चिरांड आदमी जो भी है, चिरांड देखो भाई मजे के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना तुम्हें अमित भाई कुछ गलत बोल रहा हूँ, गलत बलत समझ मत समझना, मजे के लिए कुछ भी बोल देता हूँ। और उसके बाद भाई हम वहां से हार थक के इधर आ जाते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नहीं पबजी वालों मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तुम्हारी हरकतों की वजह से बंदे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से चढ़ चढ़ के नीचे कूद कूद के अपनी जान देने लगेंगे। मतलब यार तुम कब सुधरोगे, तुम्हारी बुद्धि कौन सी दिशा में चलती है मुझे कुछ नहीं पता, मतलब तुमको कुछ और चीजें चाहिए। मतलब खैर नया अपडेट आया उसमें ग्लिच चलता है भाई, लेकिन यार जो पुरानी चीजें उनको सदियां बीत गए भाई आए आए, लेकिन उनमें भी ग्लिच फिक्स नहीं कर रहे लोग। मतलब कर क्या रहे हो भाई, तुम्हारी बुद्धि कौन सी, मुझे लगता भाई ये गांजे फूंक के बैठ जाते हैं, कुछ करते डरते है नहीं है, लेकिन क्या बोल सकते हैं पबजी वालों को, वो उनकी मर्जी, करे तो करे नहीं करे आगे बढ़ते अपने गेम प्ले में। तो देखो शुरू में तुम्हें 3 किल दिखा रहे होंगे, वो जो 3 किल थे वो हमने एक स्क्वाड को मारा था जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा पाया। दिखा क्यों नहीं पाया उसका बेसिक सा रीजन ये है, सिंपल सा रीजन, बेसिक सा रीजन जो भी मान लो कि भैया उस जगह पे मेरा रिकॉर्ड आ रहा जो बंद था, मुझे नहीं पता था। जब मुझे वो मछली दिखी थी ऊपर टगी हुई जो कि धरती पे नहीं आसमान में डांस कर रही थी, तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, अपने भाई लोग को तो दिखाया जाए इसी चीज़ों को। तो एक बंदा इधर भाग चुका है तो इसको पकड़ते पहले, तो कहाँ जाएगा हमसे भाग के, मतलब जाना कहाँ चाहता है। तो इस बंदे को 5-6 गोलियां पहले मैंने मारी, 10-12 गोलियां फिर से मारी, और उसके बाद मुझे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम्हारे टीममेट ने किसी को मार दिया है। तो लेकिन देखो मैंने किल फील्ड तो देखी नहीं थी कि मुझे कंफर्म पता चल जाए, जैसे वो बंदा मारा मैंने सोचा कि भैया मेरे साथ 2 टीममेट है उसने उस बंदे को मार दिया गाड़ी वाले को, लेकिन भाई साहब मुझे बाद में पता चलता है मतलब वो बंदा तो मरा ही नहीं है, वो तो अभी भी जिंदा है। जो मरा है वो तो खलनायक ने किसी को मारा जो कि हमसे कोई काफी दूर था मतलब वो बंदा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे खलनायक नॉक हो जाते और उसको मारने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, वैसे भी वो अकेला था शायद, तो उसका पूरा चबा जाएंगे लोग। उससे पहले हमें ये चिरांड शब्द पता नहीं कहाँ से आता था बुद्धि में, मैं बोलना भूल जाऊंगा ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ, 3 दिन लगेंगे उसे भूलने में भाई। फिर की मैं सच बता रहा हूँ, तेरे वीडियो देखना छोड़ दूंगा, ये शब्द बोलना छोड़ दे मेरे से। मतलब जिस जगह पे तू चिरांड शब्द बोलता ना मुझे बता दिया कर, मैं उस जगह पे स्किप कर दिया करूंगा तेरा वीडियो, इसे देख देख के सुन सुन के मेरा कान पक चुके हैं और मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा स्पीडर फिफ्ट है। मतलब मेरे दिमाग में भाई पता नहीं कौन सी चीज चलती है जो कि ये चीजें निकल जाती है, और हमारे यूट्यूबर भैया यहाँ पे नॉक हो जाते हैं, तो खुद देख लो कौन यूट्यूबर है। बोला था ना यूट्यूबर है, मतलब ये चीज में खुद नहीं कहता कि भैया ये यूट्यूबर है, ये खुद ही कहता है यार कि मैं यूट्यूबर हूँ। खैर हम तो भैया यूट्यूबर नहीं, हम तो इसको टिकटॉकर नजर आते, लेकिन इसको समझा दो यार हम भी यूट्यूबर है, ऐसा मत बोला कर, हमारे बारे में भी कुछ सोच लिया करो आबिद भाई थोड़ा बहुत। तो को यार इस बंदे की खतरनाक लेवल की ऐसी बकचोदी तुमको देखनी है तो इसके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और उसके जाके तुम मजे करो, ठीक है ना। और जब तक की बात कर लेते इस गेम प्ले की, तो भैया गेम प्ले में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और गाइज मेरे जो थंबनेल होते वो भी यही बना था, ये जो अभी बोल रहा था ना खराब फोन की वजह से मरता हूँ, यही मेरे थंबनेल वगैरह बनाता था भैया, बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, तो जाके तुम देख सकते हो उसका चैनल, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई तू जिसको चाहे प्रमोट कर देता, तो देखो यार मेरा हर थंबनेल इसी बंदे के द्वारा बन के आता है, और तुम्हें बहुत से बंदे मुझे पूछते हैं भाई यार तेरा थंबनेल कौन बनाता है, तू कैसे बनाता है, तो देखो यार मैं नहीं बनाता, वो थंबनेल यही बनाता है, तो जरा देख लियो इसका चैनल, वहाँ पे थंबनेल के ट्यूटोरियल वगैरह डालता रहता है, तो भैया तुम देख सकते हो जाके। देखो तुम जो चीज़ें पूछते हो वही मैं बताता हूँ, अदरवाइज और चीज़ें तुम्हें बता नहीं रहा जो कि तुम भैया कुछ और समझ लो।
तो भाई यहाँ पे फिर से वो स्किन वाला, अब पता नहीं इसको कौन मारेगा कौन नहीं मारेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने भाई बहुत तगड़ी फाइट चल रही है, तो सबसे पहले तो इनको खत्म करते। तो इस भाई साहब ने पूरी स्क्वाड को डेड किया था जो कि लूटने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन भाई साहब इसको क्या पता मतलब हम इधर बैठे हुए, तो जैसे ही आगे आता है तो मैं इसको निपटा के पूरा खत्म कर देते, इसके कलेजे से इसकी जान निकाल के फेंक देते। और उसके बाद जो बंदा एसकेएस पीछे से चला रहा है जो कि भाई हमें दिखने का कतई नाम नहीं ले रहा, मतलब कहाँ घुस गया भाई, कहाँ कौन सी जगह में घुसक गया, ये जो बंदे होते हैं ना भाई बड़े ही फिर से निकला होता अभी तो चरण, मैं सही बोल रहा हूँ, ये शब्द को भूलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3 दिनों से लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ, फिर की मैं सच बता रहा हूँ, बता दिया कर यार कौन सी जगह पे बोलता है ये चीजें तू, मैं सच बता रहा हूँ मैं तेरे को मार पार के पटक दूंगा मैं पहले। भाई नाम क्या है इसका? नहीं जरा इस बंदे का नाम देख लो तुम जो मरा है, नहीं मतलब इनका नामकरण होता कहाँ से, मुझे एक चीज बताओगे तुम कोई, नहीं तुम्हें कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे कि भाई ये नामकरण होते कहाँ से? देखो मुझे तो नहीं पता ये नामकरण कौन करता है, इनको कोई पंडित करता है कि या फिर ये खुद ही करवा लेते, कौन करता है, लेकिन जो भी करता है लेकिन बड़े खतरनाक नाम लिखता है यार, तुम खुद देख लेना रिमाइंड करके कि उसका नाम क्या था वो एसकेएस वाला जो भी मरा था, मतलब इतनी तगड़ी सोच इनके अंदर आती कहाँ से, इतना डेवलपमेंट ये लाते कहाँ से अपने अंदर, मुझे कुछ नहीं पता ये कहाँ से तो नाम सोचते हैं और कौन इनका नाम रखता है। पबजी वाली ऐसी चीजें जो देखते हैं उनको बैन क्यों नहीं करते, खैर पबजी वाले तो क्यों बैन करेंगे भैया, वो कुछ भी लिख सकते हो उनकी मर्जी, उनके प्लेयर आईडी ठीक है। तो आगे बढ़ते इस गेम प्ले में, तो भैया हम जैसे ही आगे जाते हैं तो हमें एक अजीब तरह की कुछ चीज दिखती है, तो हम जैसे इसको खोलते तो हमें भाई सब कुछ कमांडो जैसा इंसान दिखता है। तो देखो भैया मैं इसके ऊपर इसलिए फायर नहीं करता क्योंकि वो बंदा कबर में ऑलमोस्ट जा चुका था, और मैं ओपन में अगर फंस जाता तो भैया ये बोलो भी नहीं जिसमें कि 40 किल कर चुके, मतलब कर सके, ये वो लोग हैं जो कि भैया कभी भी हम ओपन में दिख गए तो हमें भूत बुरा मारेंगे, कुत्ता बना देंगे हमारा, तो उससे पहले हम भी कबर में जाते, इसको भी कबर में आने देते हैं, तो अब नेड मार के मार देंगे इसे, तुम देख लो नेड से कोई मरता है कि नहीं हमारे से। तो भाई साहब यमराज भाई साहब है ना इसका नाम, यमराज भाई साहब आरडीएक्स वाले मेरे हाथों से पता नहीं क्या ही करना चाहते। तो देखो आरडीएक्स वालों की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, जो आरडीएक्स क्लैन वाले बंदे पता नहीं, एक बार मैंने इनकी फुल स्क्वाड भी डेड की थी मिलिट्री बेस में, मैंने एक थंबनेल भी लगाया था यूट्यूब वीडियो पर पहले बहुत दिनों पहले, और आज भी भैया आरडीएक्स यमराज ये भी फिर से मर गया, मतलब आरडीएक्स वालों तुम खा के क्या आते, तुमने कोई आरडीएक्स का जहर भर ओआरएस का घोल वोल तो नहीं पी रखा जिससे कि तुम भैया मेरे पास ही खींचे चले आते हो, मतलब लास्ट जोन तक सर्वाइव ले लेंगे लेकिन मरना मेरे ही हाथों इनको। खैर जो भी हो उद्धार तो हम सबका करते हैं, तो कर ही दिया हमने भी इनका उद्धार, और उसके बाद में जो सामने बंदे हो तो उनको भी पेलना पड़ेगा, पेलम पाली करने पड़ेगी, लेकिन हमारे पे जोन है नहीं, जोन देखो उन पे भी नहीं है हम पे भी नहीं है, दोनों ही लोग जोन के बाहर थे तो जोन में दोनों को ही आना था। तो भैया वो जो सब सारे बंदे थे लेफ्ट की तरफ फ्लैंक कर चुके थे और हम भी भाई लेफ्ट की तरफ आ जाते, तो जरा आगे का गेम प्ले एंजॉय करो तुम लोग। तो एक बंदा भाई हमारे जस्ट सामने जो रिच है इस पे आके लेट चुका है, तो इसके पिछवाड़े में आग लगाएंगे, मोली जलाएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन निकालेंगे जरूरी से बाहर पकड़ के। जरा तुम नेड की टाइमिंग देखो जरा, मतलब जैसे मेरा स्मोक आता है तो बदले में एक नेड आता है, स्मोक से तो वो बच जाएंगे नेड से हम नहीं बचेंगे, जरा भाग लेते भैया उठा के धूम दबा के भाग जाते हैं यहाँ से पहले। तो भैया हम बच बचा के अपनी जान बचा के पीछे आ जाते हैं और इससे हमारी जान भी बच जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जोन के बाहर जाके जान देना ही चाह रहे थे कि उतने मेरे टीममेट ने एक को नॉक कर दिया, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया और मैंने सोचा अब तो भैया जो होगा सो देखा जाएगा, घुस के पेलम पाली की जाए। तो इस बंदे को इतनी गोलियां मारने के बाद मैं समझ गया भाई साहब इस बंदे के अंदर कोई छोटा मोटा जान का तांतु बचा होगा तो जाके रस करते, लेकिन मुझे पता वो हेल्थ भी लगा लेगा, लेकिन भाई साहब कोई बात नहीं निपटाएंगे तो हम इसको है, चाहे M249 चलाए चाहे ग्रोजा चलाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, बताएगा कोई इनको कि भैया आजकल हम भी मतलब जिगल जिगल थोड़ी बहुत दे रहे, ज्यादा तो नहीं दे रहे, देखो हम ऐसा प्रो है नहीं कि भैया पूरा ऐसा लेफ्ट राइट भाग के बंदे को मारते, लेकिन हल्का फुल्का मूवमेंट हम सीख लिए भैया, ऐसे ही थोड़ी ना मार दोगे तुम हमको। तो देखो यार अब एक बंदा बचा हुआ है, एक तो मैंने नॉक करके पहले ही पटक रख, लेकिन साथ ही साथ मेरा टीममेट भी नॉक पड़ा है, तो उसकी भी जान बचानी थी लेकिन उससे पहले इस बंदे को मारना था। तो अगेन इस पबजी के नशे होते और मैं उस बंदे पे एडीएस लेके मतलब मैं बंदे पे फायर नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाता भैया, मैंने बटन तो दबाया था फायर वाला लेकिन गोलियां चली ही नहीं, मतलब जो एम4 था उसके मुंह पे पता नहीं कौन आके बैठ गया था, तो उसने गोलियों को पकड़ लिया निकल नहीं दिया। उसके बाद मैं जरा पीछे आया M4 के मुंह पे से उस चूहे को निकाल के फेंका जो उसके मुंह में फंस गया था, उसके बाद गोलियां चली, तो आखिरकार अंत भला तो सब भला बंदा यहाँ पे निपट जाता है, अंत भला तो सब भला। भाई सुबह आज जल्दी कमेंट्री कर रहा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो थोड़ा तुम समझ सकते हो कमेंट्री में थोड़ी दिक्कतें आई होंगी, तो भाई उसके लिए सॉरी कर देना, माफ़ कर देना मुझे। एंड गाइज
आगे भाई जो भी है एंजॉय करो, मस्त मजे करो। आगे आने वाले गेम प्ले को अब मैं गेम प्ले वीडियो ही डाला करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम भाई लोगों के लिए, क्योंकि तुम मेरे भाई हो यार। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लो यार, मतलब ऐसे गेम प्ले कहाँ देखने को मिलते जो कि फुल एकदम फनी होते हैं और आपको मजे भी आते हैं और बंदों को हम ऐसे मारते तुम्हें पता है दौड़ा दौड़ा के मारते है ना। तो देखो कर लो सब्सक्राइब यार, क्या जा रहा है आपका, मुझे पता है कर लिया आधे लोगों ने और आधे ने जिन्होंने नहीं किया तुम भी कर लो भाई, कर लो यार।